नीतीश और पीएम मोदी की बढ़ी नजदीकी। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न। भारत रत्न की मांग अचानक हुई पूरी। लंबे समय से जदयू कर रहा था भारत रत्न की मांग। बिहार में लंबे समय से राजनीति की चर्चाएं जोरों शोरों पर है और अटकलें यह लगाई जा रही है कि खरमास के बाद कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। खरमास को बीते कई दिन हो गए हैं, अभी तक तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस तरह के संकेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं उसने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी की ओर से भी कुछ इसी तरह के संकेत आ रहे हैं, जिसके बाद से जदयू के पुनः एनडीए में शामिल होने के प्रयास प्रबल हो गए हैं। बिहार की सियासत के लिए मंगलवार का दिन बड़ा अहम रहा। देर शाम केंद्र सरकार ने पिछड़ों के दिग्गज नेता और जननायक के नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। यह फैसला कर्पूरी ठाकुर जयंती से एन पहले लिया गया। बिहार में बुधवार यानी कि 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती के मौके पर जदयू, राजद और भाजपा जैसी तमाम पार्टियां कार्यक्रम कर रही हैं। राज्य के दो दिग्गज नेता सीएम नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तो खुद को कर्पूरी का चेला बताते हैं। इन सबके बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक सोशल मीडिया पोस्ट गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मंगलवार की रात करीब 9:14 पर कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की। हालांकि इस पोस्ट में कहीं भी पीएम मोदी का जिक्र नहीं था, जिसे उन्होंने कुछ समय बाद डिलीट कर दिया और एक नया पोस्ट किया। नीतीश कुमार ने अपनी पुरानी पोस्ट में लिखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी सभी जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। बिहार सीएम ने तकरीबन 1.5 घंटे बाद रात 10:50 पर इस पोस्ट को डिलीट करते हुए एक नया पोस्ट अपने आधिकारिक एक हैंडल से पोस्ट किया। यह पोस्ट भी पुरानी पोस्ट की ही तरह था, बस आखिर में उन्होंने एक लाइन जोड़ते हुए लिखा, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। नीतीश कुमार के इस कदम को सियासी जानकार प्रधानमंत्री मोदी से बढ़ती उनके नजदीकियों का इशारा मान रहे हैं। जदयू नेताओं ने मंगलवार सुबह को भी पूर्व सीएम और जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग उठाई थी। शाम होते होते केंद्र सरकार इस पर इतना जल्दी फैसला लेगी, इसका अंदाजा खुद जदयू नेताओं को भी नहीं था। कुल मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एनडीए के पुराने सहयोगियों को लेकर दिए गए एक बयान के बाद स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला दूसरा ऐसा कदम है जो कि नीतीश के बीजेपी के नजदीकी और इंडिया ब्लॉक से दूर रहने की ओर संकेत दे रहा है।